पश्चिम जंगल रे जो अमृत अम्ल गछ अच्छी तमे माने चिन्ह तो से गछ घर चटिया कहीं तू तो चिन्ह से गछ तू तो देखिकी भी आसीचु देखी तो आसीची किंतु सेतो बळे से राक्षस को खोजु खोजु देखी थिली तो मने पडुनी भलो भाबरे एबे ताको पुणी खोजी पाए भी बोली मने होनी किंतु सेनापति महाशय तो मो भरोसा रे जंगल को बाहरी छंती सी एबे केमिति चिन्हिबे अमृत अम्ल गछ प्रणाम महारानी। खबरदार सेनापति पलैबार चेष्टा जमा भी करबनी तमे आउ निजको बहुत चालाक मने करिबार चेष्टा भी करबनी कारण मु जदि चाहिबी तमको पाताल रूपी खोजी बाहर करिपारिबी। सेमिति काम मु केबे भी करिबिनी महारानी आपण मते विश्वास करि पारंती। गलु तो सुआ सेनापति महाशय अमृत अम्ल गछ संधान रे जंगल को जाई छंदी तो तांको टिके बाट देखे नै जा नै जा ए टाइम ते के काम मु एबे जाऊ छी। आखो पाखरे केही तो नाहंती देखुची किंतु पायल तो लिखिथिले जे सीए मते से हलदिया धड़ा गार पका लेंबू गछ चिन्हई देबे किंतु किंतु कहांती सीए एबे की मते बाट देखइबो ए घंच जंगल भितरे से विशेष गछ को मु चिन्हिबी बा केमिति। सेनापति महाशय निश्चय इते बेल को पहुंची जाई छंती पश्चिम र जंगल रे सुआ सांगरे कोन देखा हिची तांकर सुआ सीची निश्चय ताहले पायला को पठई चंती। हां कोन कहूची सुआ मु तो किछि भी बुझी पारुनी किंतु दी जण तो केही काहारी भाषा बुझंतिनी सुआ ताहले बाट देखि दबो केमिति तांकू सुआटा बाट देखे न नहीं पारिले सेनापति महाशय तो अमृत अम्ल लेंबुर संधान पाइबेनी जंगल रे दी जण कोन छे करूछंती के जाने मने होउची सुआटा मते ता सहित कोडे जीवा को कहूची। हां तो से हलदिया धड़ा गार पका लेंबू गछ अमृत अम्ल आउ किछि चिंता नहीं एथर महाराजा को शरीर निश्चय सुस्थ हो जिवो आउ मु भी मुक्ति पाई जिबी। सुआ पखी मोर काम हेई गला एथर मते बाट देखि जंगल बाहर को नहीं चलो। रही जाओ बच्चा रुह। प्रणाम सन्यासी महाशय। तुमर से झुड़ी रे कौन अच्छी? अमृत अम्ल गछर लेंबू अच्छी सन्यासी महाशय। मु बहुत तुषार्त, गोटे लेंबू पाइले मोर तृष्णा मेंटिबो। अवश्य सन्यासी महाशय। एई नियंतु। निश्चय पळि जाईछि, सी पळि जाईछि कापुरुषक परी। मृत्यु दंड देबी ताको, मु मृत्यु दंड देबी। राघव मु जानी थी तमें आसब से हलदिया धला गार पका लेंबू मुझे महाराज मुझे से अमृत अम्ल लेंबू नहीं आसी। जो काम मोर राक्षस अनुचर मान कर सेनापति से काम एत सहजरे कर पकईला पूछा दुबल। पायल शीघ्र जा लेंबूर रस प्रस्तुत कर। हाँ रानी माँ। महाराजा को पिए देबी। शीघ्र शीघ्र पियाई दे। मल्लिका वो पूरा पूरी सुस्त हो जाइए। आउ जंत्रणा होनी, आउ कौन से कष्ट होनी मोर। मु सतर धन्य तम परी जड़े गुणवान को मो सेनापति भाव में पाई। तमें मो राजसभार अमूल्य रत्न। सेनापति आज तमें बंची गले भी मु तुमको तिले मात्र विश्वास करेनी। आज यज्ञटा भलरे भलरे हेई गले मोर मोर विशेष क्षमता बल रे मु तुम सबू चक्रांत मुहूर्त करे धरी पकेबी। एथर यज्ञ आरंभ होबो। किंतु माता मु प्रकृत रे बुझी पारु नहीं ए विशेष यज्ञ कौन पाई। महाराज ए यज्ञ आपणकर शारीरिक सुस्थता पाई। प्रकृत रे आपण बहुत कष्ट पाइछंती, तेणु पंचमातांक निर्देश रे ए यज्ञर आयोजन करा हिछि, जेउथिरे भविष्यत रे आपण समस्त प्रकार रोग व्याधिरो मुक्ति पाई परिबे। अल्प किछि चुटी काटी ए यज्ञ रे अर्पण कर। ए नियो को आरंभ होला। सोईबा पूर्व तो आकाश परिष्कार थिला। ताहले एथर निज कक्ष को जाई विश्राम करि पारंती। दिन सारा से बहुत कष्ट पाइछंती। बाकी यज्ञ क्रिया मो मणि मल्लिकांक सहित संपन्न करि परिबी। तेबे कौन सतरे कौन से अघटन घटना को चाहूँ नहले ठेकुआ भाई एमती कहले कहीं। प्रकृतिर आज ये कि भयंकर रूप आरंभ होइछि मन हो सबकिछि जेमिति ध्वंस हो। हठात एमती दुर्योग कौन पाई? पायल कौटी अच्छा ये समय रे? पायल यज्ञ संपन्न होई मणिमल्लिका तमें राक्षसी शरीर लाभ करिछ। राक्षसी शरीर एमिति भयंकर दुर्योग मु पूर्वर केबे भी देखी नथिली। सबकि बहुत भयंकर घटुची आज कहीं घटुची। आज समग्र राक्षस कूल राणी मणिमल्लिका को जड़े बोली मानी नेबे। पुरुषो तो साधनारे आमे खुशी हेचु मणि मल्लिका कह कौन चाहुचु तू। हे पूर्व पुरुष गण, पिता अभिशाप मु राक्षस कूल च्युत होइथिली। मु पुणी निज कूल को फेरिबा को चाहे। सेया हबो जोठी जेते अछंती राक्षस राक्षसी समस्ते मानिबे तते। कटि गला सबु दोष आजि ठारुनी तू राक्षस कुलर जने सदस्य। एपरी अद्भुत भावरे बिजुली चमकिबार त आगुरु केबे देखिनी। तेबे ये कोन किछ अशुभ संकेत? काहे कि जानिने आज तम पई भारी दुश्चिंता होउची पायल। तमे बहुत सावधान ने रहिबो। सेनापति महाशय, मोर चिंता तो केवल तमरी पई। राणी मां 24 घंटा तम ऊपर कड़ा नजर रखी। तमे भी सावधान रे थिबो। मल्लिका, आजी तमरा बहुत बड़ प्राप्ति हैला। आजी ठू तमे दिन को राति, राति को दिन करी पारिबो। मल्लिका, आजी ठारू तमे तम इच्छा अनुसार जे कोनोसी जीव को आखि निमिषक रे अन्य जीव रे परिणत करि परिबो। औ सुनो, तमे तम आखिर निया द्वारा जे कोनोसी कहा को भस्म करि देई परिबो गोटे मुहूर्त रे। परिबो परिबो, एई सबु किछि तू निश्चय परिबो। राक्षस राज्य को आमे माने तोते स्वागत करुछु। विदाय। पंचमता, पंचमता, आज मु बहुत खुशी। आज मु बहुत बहुत खुशी। मोर एते दिनर स्वप्न पूर्ण हेछि पंचमता। आज ठू पुणी मु संपूर्ण राक्षसी हे गली। ना मणि मल्लिका, राक्षसी रूप तमे धारण करिछ सत कथा, किंतु एबे भी तमर पूर्णता प्राप्ति हेइनी। एबे भी मु संपूर्ण राक्षसी हेई पारिलिनी माता। आउ केते दिन, आउ केते दिन सेति पई मते अपेक्षा करबा को हबो माता? आउ मात्र गोटिए दिन। आगामी काली अमावास्यार मध्यरात्रि रात्रिर द्वितीय प्रहर रे महायज्ञ हब। यज्ञ शेषे बलि देले जाई तमे संपूर्ण राक्षसी हेई जिबार स्वप्न पूरण हब। मणि मल्लिका, जो क्षमता तमे ए जाय पाइन, सेई दिव्य दृष्टिर शक्ति पाइबा तमे महायज्ञ परे। घरे बसी तमे तम इच्छा अनुसार त्रिभुवनर जे कोनोसी किछि देखि परिबो। ताहले सेया ही करबी, किंतु ता परे दिव्य दृष्टि बल रे मु मो गोपन शत्रु माननकु धरी पारिबी तो माता? अवश्य निश्चय पारिब। तम आखिरु केही लुचि रही पारिबेनी। किंतु एबे मु तमको पूर्ण मनुष्य रूप फेरई देबी। भोर हवा को आउ एकदम बेसी समय नाही। मनुष्य रूप को फेरी जाओ। तमे रानी मणि मल्लिका रूप को। जा पायल, शीघ्र स्नान सारी पका। तमे माने पायल रो स्नान रो व्यवस्था करो। आज मु पायल को निज हाथ रे सजाई देबी। सावधान एई मुहूर्त रे तमे एठू पळाओ 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 कोण कहूछु तू पळेबी कोण पई मु तो जेते रानी मां को घनिष्ठ होई पारिबी सेति बेसी भलो पळाओ पायल सखी पळाओ भारी विपद मुसा भाई विपद को विपद कथा कहउछंती ए माने।